एवरी वन वेलकम टू करण क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर नंबर 11 से 10 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं होपफुली आज हमारा सोशल चेंज वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें मैं पार्ट टू लेके आऊंगी आपके फर्स्ट चैप्टर का ठीक है कुछ टॉपिक्स रह गए थे जैसे कम्युनिटी एसोसिएशन की कुछ आपको थियोरीज सोसाइटी रिलेटेड कुछ ओरिजिन थ्योरीज आपको पढ़नी है वो मैं उसमें कवर कर लूंगी अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वो ग्रुप ज्वाइन करें वहाँ मैं फ्री पीडीएफ एंड टेस्ट वगैरह अपलोड करती रहती हूँ एंड कुछ टाइम के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा स्कीम से रिलेटेड तो आपको क्या करना है स्कीम्स का सेपरेट वीडियो मैं नहीं लाऊंगी आप वो क्या करेंगे वो स्कीम्स बेसिकली कंसेप्चुअल तर... रिलेटेड उसमें कुछ भी नहीं है आपका बस याद करने वाले उसके पॉइंट्स हैं वो पी से आप स्कीम्स याद कर लेंगे फिर आप एक हफ्ते के गैप गा, रखेंगे बीच में आप उसके बाद टेस्ट सीरीज उसकी आ जाएगी स्कीम्स रिलेटेड जो आपका सिक्स यूनिट है वो टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे एंड टेस्ट का मैं सोल्यूशन लेके आऊंगी जिसमें आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी क्वेश्चन की और अगर कुछ डाउट होगा वो वहां पर क्लियर हो जाएगा तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर एज ऑलवेज से डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और कॉमेंट सेक्शन में बताया आपको वीडियो कैसा लग रहा है मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ती हूँ जो आप मेल करते हैं वो भी पढ़ती हूँ तो आपको कोई भी क्वेरी होगी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं करंट क्रंच four one one at gmail.com. ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड हाँ अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है मेरी स्पीड से अब देखो जल्दी पढ़ाने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है मैं चाहती हूँ कंप्लीट हो जाए सिक्सटी मार्क्स आपके स्पेशलाइजेशन के अगर आपको लग रहा है मैं तेज़ पढ़ा रही हूँ तो यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है स्पीड कम करने का तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द कॉन्टेंट आप स्पीड कम कर सकते हैं एंड आराम से आपका लेक्चर मेरा सुन सकते हैं तो सोशल चेंज क्लियर हो गया इसकी थियरीज़ वगैरह सारी मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने पढ़ ली सारी ठीक है तो आज हमें पढ़ना है इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन और थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उनका देखना है क्या होता है आपकी सोसाइटी पे यहाँ तक हो गया था हाँ आज देखते हैं जो मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आपका अर्बनाइजेशन है वो तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सोशल चेंज के ठीक तीन है तीनों आपको सोशल चेंज से रिलेटेड है क्योंकि इन सब से क्या होता है आपकी सोसाइटी चेंज होना शुरू हो जाती है वो कैसे होती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे बाइव्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट और योर सोशल चेंज कैन बी एक्सप्लेन तो देखो मॉडर्नाइजेशन क्या होता है बेसिकली आप बोल सकते हो ये एक ब्रेक है फ्रॉम ट्रेडिशन ट्रेडिशन चाहे चाहे वो break, चाहे वो ब्रेक क्या था आपके वैल्यूज चेंज हो गए जो पहले आप सोचते थे जो पहले आप गर्ल चाइल्ड को लेके सोचा जाता था फैमिली में अब वो नहीं सोचा जाता ठीक है मॉडर्निटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया अब लड़के और लड़की को इक्वल लेवल पे आप ट्रीट करते हो ठीक है अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो भी मॉडर्न आई पहले क्या होते थे आपके टोंगास वगैरह होते थे जिन पे आप चढ़ते थे आज उनको किसने रिप्लेस किया है मशीन्स ने रिप्लेस किया है कार्स ने रिप्लेस किया है फाइन तो ये मॉडर्नाइजेशन आपको सोसाइटी के हर इंस्टीट्यूशन में देखने को मिलेगी फैमिली मॉडर्नाइज हो रही है पहले आपकी फैमिली की एक बेसिक डेफिनेशन थी जहाँ पे टू एडल्ट होंगे ऑपोजिट जेंडर के अब वो क्या हो रहा है वो चेंज हो रहा है आपको होमोगैमस मैरिजेस मिल रही हैं दैट मीन्स सेम सेक्स मैरिजेस तो उनकी एक फैमिली सेटअप बनता है अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो उनका एक फैमिली पैटर्न बनता दैट मीनस विदाउट मैरिज भी आप साथ रह रहे हो तो ये सारी चेंजेस जो ट्रेडिशन में थी वो चेंज हो रही हैं और हम एक मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ योर स्प्रेड ऑफ जो आपकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं जो आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आया था वो हम आगे देखेंगे उसका स्प्रेड होना सोसाइटी में उसको आप टर्म से डिनोट करते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन अब इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो रहे हैं सिटीज़ में रहना प्रेफर करते हैं ठीक है अगर कोई रूरल एरिया में भी रह रहा है लेकिन वो सिटी का लाइफ स्टाइल अडोप्ट करने की कोशिश करता है उसका जो फूड हैबिट्स होंगे ड्रेसिंग पैटर्न होगा या कल्चरल हैबिट्स होंगी सारे चाहते हैं कि वो अर्बन कल्चरल एडोप्ट करे जो अर्बन लोग खाते पीते हैं वो एडोप्ट करें तो उस सारे प्रोसेस को हम डिनोट करते हैं बाय द टर्म अर्बनाइजेशन और इन सब चीजों से क्या आती है आपकी सोसाइटी में सोशल चेंज अब देखते हैं द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम द साइंटिफिक डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड फ्रॉम एन एग्रीकल्चर टू अ लार्जली इंडस्ट्रियल सिस्टम तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या था आपकी जो प्री इंडस्ट्रियल प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी वो आपकी अग्रेरियन बेस्ड सोसाइटी थी अग्ररियन बेस्ड सोसाइटी क्या होता है जो आपकी एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी अगर ये क्वेश्चन आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आता है तो ये याद रख लेना इंडिया अभी भी एक अग्रेरियन सोसाइटी है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग अभी भी कहाँ पे इन्वॉल्व हैं आपके एग्रीकल्चर में एग्रेरियन सोसाइटी ठीक है तो वर्ल्ड वाइड क्या हो गया वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में स्पेशली आप एग्रेरियन से आपने स्विच किया टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाले टाइम में आ गए अब आपकी इंडस्ट्रियल सिटीज़ आ गई मॉडर्न सिटीज़ आ गई और वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली होता क्या है कि जो काम पहले ह्यूमंस करते थे अब वो काम मशीन्स करेंगी सिंपल एक बेसिक सा डेफिनेशन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलाइजेशन का होगा मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन दैट मीन्स ज्यादा से ज़्यादा आप मशीन्स यूज़ करोगे फैक्ट्रीज में काम करने के लिए जहां पहले आप लोगों को एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट देते थे एम्प्लॉय करते थे काम करने के लिए वहां उनको कौन रिप्लेस करेगा आप मशीन्स

वो गाँव से वो विलेजेस से कहाँ पे आ गए सिटीज में ताकि वहां पे वो जॉब कर सके तो माइग्रेशन होना शुरू हो गई ठीक है अर्बन एरियाज में नाइनटीन एंड ट्वेंटी सेंचुरीज ग्रेजुअली मॉडर्निटी रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्नाइजेशन बिकेम अ ग्लोबल फिनोमेना तो आहिस्ता आहिस्ता जो मॉडर्निटी है हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में फैलने लगी आपकी नाइनटीन सेंचुरी कौन सा होता है एटीन हंड्रेड्स वाला ईयर एंड आपकी ट्वेंटी सेंचुरी है नाइनटीन हंड्रेड्स वाला ईयर तो इसका बेसिक चीज कैसे है डिटर्मिन करने का जैसे हम अभी टू ट्वेंटी आ, ट्वेंटी थर्ड थ्री चल रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ठीक है तो हम कौन सी सेंचुरी में है ये हमें कैसे पता चलेगा जो आगे के दो ईयर्स है उनको आप प्लस वन कर दो तो हम अभी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में है ठीक है तो जो सेवेंटीन हंड्रेड वाला टाइम था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ वो कौन सी सेंचुरी थी सेवेंटीन को प्लस वन कर दो एटीन सेंचुरी ठीक है थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके समझने के लिए आगे देखते हैं मॉडर्नाइजेशन है क्या बेसिकली ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है क्यों मल्टी डायमेंशनल है आपको चेंजेस देखने को मिलेंगी सो सोशल लेवल पे भी कल्चरल लेवल पे भी इकोनॉमिक लेवल पे भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी ठीक है इट डिक्लेयर्स द पासिंग ऑफ अ ट्रेडिशन या आप बोल सकते हो इट रिप्रेजेंट्स ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन तो so सोसाइटी में आपको सोशल लेवल पे चेंज देखने को मिलती है आपके आइडियाज जैसे मैंने अभी कहा वैल्यूज बिलीव्स आपके इंस्टीट्यूशन वो सब चेंज हो जाते हैं आपका कल्चर चेंज हो जाता है जिसमें आपका फूड हैबिट्स चेंज हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक है आएस्था आएस्था। आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाता है तो आपके कल्चर लेवल में आपको चेंज देखने को मिलती है इकोनॉमिकली भी चेंज आती है क्योंकि आपके ट्रेडिशनल सोसाइटी में अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इकोनॉमिक पैटर्न था उसको हम बोलते थे जजमानी सिस्टम जजमानी सिस्टम क्या होता था इसमें आपको दो देखने को मिलते थे एक आपके जजमान होते थे या उनको यजमान भी बोलते हैं। एक आपके कामीन होते थे तो जो कामीन होते थे आपके वो आपके सर्विंग कास्ट होती थी जैसे आपके बार बार होते थे वॉशरमैन वगैरह नाई वॉशरमैन वो क्या करते थे जो जजमान होता था हाई कास्ट का उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते थे और इन रिटर्न ये इनको कुछ ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड कर देते थे कैश और काइंड दैट मीन्स या ग्रेन्स वगैरह या कुछ कैश इनको दे देते थे तो आपका जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक पैटर्न था वो जजमानी सिस्टम के अराउंड बिल्ड था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया जैसे मॉडर्नाइजेशन आ गई अब आपका एक इकोनॉमिक पैटर्न जो है आप आपके मार्केट इकॉनमी आ गए आपकी मनी इकॉनमी आ गए जो आपकी करंट इकॉनमी चलती है आपके बैंक आगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आगे ठीक है तो इकोनॉमिक लेवल में भी आपको मॉडर्निटी देखने को मिली एंड पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी पहले क्या होता था किंगशिप होती थी आपकी जो किंग होते थे मोनार्क्स वो रूल करते थे फाइन उसके बाद क्या हो गया आहिस्ता आहिस्ते जैसे आप मॉडर्निटी आ गई ट्रेडिशन खत्म हो गया आपके पास डेमोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट आ गया अब आप इलेक्ट करते हो अपने रूलर को अब ऐसा नहीं है कोई किंग है और उसी का बेटा आपको रूल करेगा अब आप वोट दोगे तभी जाके कोई पीएम बनेगा तभी जाके कोई सीएम बनेगा इस मॉडर्निटी से रिलेटेड और एक कॉन्सेप्ट है आपका एनलाइटनमेंट एनलाइटनमेंट जो है इट वाज़ द फर्स्ट परसेंट ऑफ मॉडर्निटी अब देखो एनलाइटनमेंट क्या होता है इसको एज ऑफ रीजनिंग भी बोलते हैं ये मॉडर्निटी के आते आते एक्चुअली हम पहले एनलाइटनमेंट पीरियड में आ गए और ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी आपका एनलाइटनमेंट हो रहा था वर्ल्ड में और यहाँ से ट्रेडिशन ख़त्म हो रहा था हम मॉडर्निटी वाले फेज में आ रहे थे एनलाइटनमेंट बेसिकली वो वाला पीरियड था वर्ल्ड हिस्ट्री का जब आप हर चीज़ को क्वेश्चन करते थे आपको लॉजिक वाली बात पर लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती थी आपको ये नहीं था कि गॉड ने ऐसे बोला है तो सोसाइटी ऐसे ही चलेगी अगर पोप जो है जो चर्च के हेड uh, होते हैं वो आपको कोई बात बोल रहे हैं वो बात आपके लिए पत्थर की लकीर होगी नहीं अब वैसा नहीं था आप जो बात बोल रहे हो उसको प्रूव करो ठीक है उस चीज में रीजन होना चाहिए लॉजिक होना चाहिए साइंस बेस्ड चीजें होनी चाहिए वो आपका एनलाइटनमेंट है और ये मॉडर्निटी से रिलेटेड है एंड आपकी सोशलॉजी से भी रिलेटेड है इसलिए मैंने यहाँ पे टर्म लिखा है हो सकता है एग्जाम में आ जाए एज ऑफ रीजन भी इसको बोलते हैं तो रीजन एम्पेरिसिज्म एम्पेरिसिजम होता है चीजें ऑब्जर्व करना अब ऐसा नहीं आप सुनी सुनाई बातों पर जो जनरेशनल नॉलेज पास हुई है वही मानोगे आप जो चीजें ऑब्जर्व करोगे जो देखोगे वो चीजें मानोगे साइंस प्रोग्रेस फ्रीडम यूनिवर्सलिज्म ये सारी बातें किससे रिलेटेड है, है आपके इनलाइटनमेंट से इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन एंड जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हो गए फ्रांस में या यूएस में जैसे फ्रांस में आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ यूएस में आपका सिविल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ जो एंटी स्लेवरी था ठीक है सिविल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये आपको इन डिटेल नहीं जाना बस मैं यहाँ पे नाम मैंने लिखे हैं क्योंकि कि आपके इग्नो नोट्स पे लिखा हुआ था तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए एंटी स्लेवरी जो चला था आपका सिविल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यूएस में ठीक है इन्होंने हमें नए वैल्यूज दिए कैपिटलिज्म के सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट आया कि अब सिटीजनशिप क्या होता है कि आप अब कि किसी कंट्री के पार्ट हो दैट मींस आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे उस कंट्री से एंड इन रिटर्न आपको कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज कुछ राइट्स मिलेंगे एंड इन रिटर्न आपको कोई ड्यूटीज परफॉर्म करनी होंगी उस स्टे उस कंट्री के लिए वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप तो ये सारी चीजें आपकी मॉडर्निटी के साथ साथ एसोसिएट हो गई डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट ऑल ऑल दिस ठीक है एंड ऑल ऑफ दीज लेड टू द प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन और द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन तो इन सारी चीजों से हम कहाँ पे आ गए एक मॉडर्न वर्ल्ड में आ गए इन सब चीज़ों से क्या आ गए हमारे पास एक मॉडर्निटी आ गई ठीक है तो ये है आपका थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशन का. अब डेवलपमेंट जो है की वर्ड है विच हेल्प्स टू तो एनालाइज मॉडर्निटी क्योंकि मॉडर्निटी को हम एसोसिएट करते हैं पॉजिटिव टर्म में ही तो डेवलपमेंट जो है वो रिलेटेड है आपकी मॉडर्निटी से ही देर आर कंटेम्प्री थोरीज ऑफ मॉडर्निटी जैसे एंथनी गिडन्स की एक है रिड्जर की है बोमेन की हैबर मास्क की ये चारों थिंकर्स जो है ये आपकी मॉडर्निटी से रिलेटेड है एंथनी गिडन्स गेव अ थियोरी ऑफ मॉडर्निटी और उन्होंने डिस्क्राइब किया मॉडर्न वर्ल्ड को एज अ जगरनॉट ये एंथनी गिडन्स का कॉन्सेप्ट है मॉडर्न वर्ल्ड एज अ जगरनॉट का मतलब हुआ जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये एडवांस प्रोग्रेसिव वर्ल्ड है एडवांस एंड प्रोग्रेसिव वर्ल्ड और ये किसने कहा था एंथनी गिडन्स ने फॉर हिम मॉडर्निटी इज मल्टी डायमेंशनल एंड इट्स फोर इंस्टीट्यूशनल आस्पेक्ट्स आर तो एंथनी गिडन्स ने मॉडर्निटी को लेके क्या कहा था कैपिटलिज्म इंडस्ट्रियलिज्म होता है मॉडर्निटी में एक सर्विलेंस होती है आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कि आपको सर्वे आपको सर्विलेंस के अंडर रखा जाता है एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी और डिपार्टमेंट को भी एंड मिलिट्री पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है मॉडर्न वर्ल्ड में तो ये चार आस्पेक्ट्स है मॉडर्निटी के कैपिटलिज्म इंडस्ट्रियलिज्म सर्विलेंस एंड मिलिट्री पावर जो हमें किसने कहे थे एंथनी गिडन्स ने मॉडर्निटी तो को लेके थोड़ा क्या क्या बोला गया था लैमबर्ट ने कहा था उटेल ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन क्या क्या चेंज हुए स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट्स में इकोनॉमिक रिलेशन जो थे वो डिटर्मेंड नाउ आर नाउ डिटर्मेंड बाई कॉन्ट्रैक्ट पहले मैंने आपको क्या कहा था जजवानी सिस्टम था तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं था यूजुअली लो कास्ट वाले जो होते थे वो आपके कामीन होते थे वो जजमान को सर्व करते थे और इन रिटर्न वो उनको कैश या कुछ ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड करते थे लेकिन अब वो नहीं होता अब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशन है आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं जो काम करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत दैट मीन्स कोई एक फॉर्मल गाइडलाइंस है जो उनके वर्क को रेगुलेट करेगा ठीक है अब ऐसा नहीं है अपनी मर्जी वो भी चलाएंगे अपनी मर्जी आप भी चलाओगे अगर फॉर्मली आपने लिखा है उनको टेन थाउजेंड पर मंथ आपको देना है तो वो आपको देना ही है ये नहीं है कि आप अपनी मंथ से कभी आठ हजार दो कभी नौ हजार दो ठीक है तो फॉर्मल गाइडलाइंस है उनके लिए भी टाइम अगर उनको नाइन टू फाइव काम करना है तो यही उनके लिए टाइम लिमिट है वो अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकते नाइन टू फाइव उनको जो है आपकी कंपनी को देना है तो आपके जो इकोनॉमिक रिलेशन है मॉडर्न वर्ल्ड में वो कॉन्ट्रैक्ट से चलते हैं पुराना मैंने कहा जजमानी सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स डिविजन ऑफ लेबर है तो मॉडर्निटी क्या हो गया ऑफ लेबर हो गया पहले सिंपल डिविजन ऑफ लेबर था ये चीज हमें पहले भी किसी ने कही थी याद करो हमें इमाइलुरखेम ने कही थी सिंपल डिविजन ऑफ लेबर था और अब जो डिविजन ऑफ लेबर कॉम्प्लेक्स हो गया है लेकिन फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस हो गई है कल भी मैंने एग्जाम्पल दी मोबाइल फोन की जैसे कहीं आपकी बैटरी बनती है ठीक है कहीं आपका सॉफ्टवेयर बनता है कहीं आपकी आईसीज बनती हैं इसकी कहीं आपका स्क्रीन बनता है ऑल तो डिविजन ऑफ लेबर तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना क्योंकि टास्क कितने टास्क में डिवाइड हो गया बहुत सारे काम में, मैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है अगर आप मार्केट जाते हो मोबाइल खरीदने के लिए आप सिर्फ स्क्रीन लेके नहीं आओगे आप फिफ्टीन थाउजेंड अगर दे रहे हो आपको पूरा फोन चाहिए दैट मीन जो स्क्रीन बनाने वाला है वो बैटरी बनाने वाले पे सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले पे आईसी बनाने वाले पे भी डिपेंड करेगा तो काम में फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस हो गई है ठीक है इसके और एक एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर जो फैमिलीज में होता है फादर कोई काम करता है मदर कोई काम करती है ठीक है ये लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते काम दोनों जरूरी हैं पूरी फैमिली को रन करने के लिए जो फादर काम कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है एंड जो मदर काम कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है और वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अगर माँ बोले कि मैं ये सारी चीजें नहीं करूंगी चलो फादर ही सिर्फ काम कर तो क्या वो जो फैमिली एज ए यूनिट है वो सर्वाइव करेगा नहीं तो आप एक तो डिफरेंट टास्क जो है वो कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं क्योंकि डिफरेंशियट कर रहे हो आप कामों को लेकिन साथ में ही जैसे आपने डिफ्रेंशियट किया है आपकी डिपेंडेंस भी एक दूसरे पे इंक्रीज हो गई है अब क्या होगा मॉडर्निटी की वजह से आपको अचीव्ड स्टेटस मिलेगा आपको अपनी जगह जो है वो मेरिट पे बेस्ड होगी वो आपको सोसाइटी में बनानी होगी तो मॉडर्न सोसाइटी जो मटीरियल वेल्थ है उस पर ज्यादा फोकस करती है मेटीरियल वेल्थ पे और पुरानी सोसाइटीज में क्या होता था मॉडर्निटी से पहले ट्रेडिशनल आपको एस्क्राइब्ड स्टेटस मिलता था तो ये सोशल चेंज जो है सोसाइटी में आपको देखने को मिल रही है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी तो वर्टिकल मोबिलिटी क्या होता है ये आपका ऐसे वाला होता है एंड हॉरिजॉन्टल इज अगर आप नर्स हो किसी हॉस्पिटल में फॉर एग्जाम्पल आप स्किम्स uh, में नर्स हो ठीक है और अब आप आपकी पोस्टिंग हो जाती है अब आप, आप चले जाते हो कहा पे जेवीसी में जेवीसी बेमेना में आप नर्स बन जाते हो दैट मीनस आप नर्स ही हो लेकिन आपकी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी हुई है एक जगह से दूसरी जगह आपने मूव किया है आपकी सिर्फ पोजिशन चेंज हुई है स्टेटस चेंज नहीं हुआ है वर्टिकल में क्या हो रहा है आप लो कास्ट को लो क्लास को बिलोंग करते हो एंड आप हाई क्लास में आ जाते हो मिडिल क्लास से आप अपर मिडिल क्लास में आ जाते हो तो आपका पोजिशन एंड स्टेटस दोनों चेंज हुआ है दैट इज योर वर्टिकल मोबिलिटी तो ये सारे कुछ जो कॉन्सेप्ट है ये किससे रिलेटेड है मॉडर्न सोसाइटी से हो सकता है इसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी वो एक्सक्राइब है या अचीव्ड ट्रेडिशनल सोसाइटी में मोबिलिटी पॉसिबल थी कि नहीं आपको भी ये बातें हमेशा याद रखनी होंगी जो भी प्रोग्रेसिव चीजें रिलेटेड होंगी वो हमेशा आप उसका आंसर में मॉडर्न सोसाइटी के रिलेटेड क्वेश्चन ही लिखोगे ठीक है उसी अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे दिमाग में बिठा के जाओ प्रोग्रेसिव चीजें मॉडर्न सोसाइटी की हैं और जैसे पुरानी चीजें होंगी रिग्रेसिव चीजें होंगी थोड़ी वो आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटी होंगी न्यू एस्पिरेशन फॉर इंप्रूवमेंट ये किस चीज़ में होता है पॉसिबल आपकी मॉडर्न सोसाइटीज में क्योंकि ट्रेडिशनल सोसाइटीज में तो इंप्रूवमेंट का स्कोप ही बहुत कम है हैरिटेटरी पोजिशन है कास्ट बेस्ड पोजिशन है ऑक्यूपेशन उतने ज्यादा नहीं है तो इंप्रूवमेंट का स्कोप भी अकॉर्डिंगली बहुत कम था तो ये हो गया आपका थोड़ा बहुत मॉडर्निटी का इंडस्ट्रियलाइजेशन मैंने आपको थोड़ा इसका आइडिया दिया होता क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन में आपको ह्यूमंस यूज होते थे अब वो कौन उनको किसने रिप्लेस किया है मशीन्स ने और अब आपके पास क्योंकि अब मशीन्स काम कर रही हैं तो आपके पास मास प्रोडक्शन होती है क्षी इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन इंग्लैंड प्रोपेल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन नॉट ओनली इन इंग्लैंड बट यूरोप ऑल्सो टू फॉलोड बाई द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये प्रोसेस है सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज का जिसमें इकनॉमिक शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी एग्रीकल्चर टू मैनुफैक्चर ऑफ गुड्स पहले क्या होता था आप एग्रीकल्चर एग्रेरियन सोसाइटी में थे अब आपकी इंडस्ट्रीज बन रही है तो आप कहाँ पे आ रहे हो मैन्युफेक्चर ऑफ गुड्स में जो एग्रीकल्चर है उसको आपका प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है आपका जो सेकेंड वाला आ गया मैन्युफैक्चरिंग वाला मैन्युफैक्चर करना गुड्स को प्रोड्यूस करना वो आपका सेकेंडरी सेक्टर आता है एंड थर्ड वाला जो आपका नॉलेज बेस्ड जैसे आईटी इंडस्ट्रीज वगैरह सर्विसेज जिसमें आप प्रोवाइड करते हो वो आपका टर्शरी बेस्ड आता है ठीक है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी इट रेफर्स टू द इमरजेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ इन एनिमेट पावर सोर्सेज इन एनिमेट आप मशीन वगैरह यूज करते हो मशीन पावर सोर्सेज पहले आप पावर के लिए किसको यूज करते थे हॉर्सेज को बुल्स को जो आप चला वो बैलगाड़ी चला रहे होते थे खेतों में आप पीछे बैठे और आगे जो घोड़ा है वो भूल है वो दौड़ रहा है दौड़ रहा है वैसे करके आप खेती बाड़ी करते थे अब क्या है उसकी जगह ट्रैक्टर आ गए हैं तो ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट है जिससे रेवोल्यूशनाइज किया प्रोडक्शन को लीडिंग टू तो मास प्रोडक्शन इनोवेशन जो फैक्ट्री बेस्ड सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है इसने टेक्नोलॉजिकल डिविजन ऑफ लेबर किया लेट टू मेनी चेंजेस इन सोसाइटी अब टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आप, आपका जो ऑक्यूपेशन है वो डिवाइड होने लगा ये ब्यूरोक्रेटिकली मैनेज इंडस्ट्रियल फर्म्स ब्यूरोक्रेटिकली मैनेज मीन्स वो वाली अब आपकी फर्म्स या कंपनीज जो ऑर्गेनाइज होंगी कोई एक फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ डिमांड्स ऑफ लेबर इनक्रीज पीपल माइग्रेटेड टू सिटीज इन लार्ज नंबर लीडिंग टू अर्बनाइजेशन तो उससे क्या हो गया फाइनली आपका अर्बनाइजेशन क्योंकि लोग कहां आने लगे अर्बन एरिया में आने लगे तो ये आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का थोड़ा क्लासिकल सोशलॉजिस्ट इन यूरोप स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द चेंजेस इन सोसाइटी एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कॉन्ट्रास्टेड प्री इंडस्ट्रियल विद इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ ठीक है आप क्या क्या कॉन्ट्रास्ट दिया था उन्होंने अलग अलग नाम दिए थे डिफरेंट थिंकर्स ने फर्ड एंड टोनीस ने क्या दिया था जेमिन शैफ्ट एंड जैसल शैफ्ट अगर जेमिन शैफ्ट आ जाएगा तो ये आपका कम्युनिटी बेस्ड ट्रेडिशनल सोसाइटी के साथ आप लिख सकते हो एंड जैसल आपके आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी हमने कल भी पढ़ा था दुर्खेम हो गया आपका मैकेनिकल सॉलिडारिटी वाला कॉन्सेप्ट दिया था ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में था एंड ऑर्गेनिक solidarity कहाँ है आपका मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में हेनरी मेन ने आपका स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट दिया था ये आपने आज ही सुना होगा ये मैंने पहले नहीं बोला स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट तो ये मैंने कहा जो नई सोसाइटीज हैं वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं ये हमने अभी देखा रिलेशन जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं पुराना क्या होता था किस इस पर डिपेंड करता था आपके स्टेटस पे आप कहाँ पे पैदा होते हो वही डिटरमिन करेगा सोसाइटी में क्या आपका स्टेटस है एस्क्रिप्शन की बात नहीं होती थी अचीवमेंट सॉरी अचीवमेंट की बात नहीं होती थी एस्क्रिप्शन की बात होती थी स्पेंसर ने दिया था मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल ये भी कल हमने डिस्कस किया तो ये कुछ सोसाइटीज़ के नाम हैं जो आपके इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो सोसाइटीज़ आई थी उनका डिफरेंस जो अलग अलग थिंकर्स ने दिया था क्योंकि सोशोलॉजी के सारे थिंकर्स हैं तो सोसाइटी रिलेटेड बातें की थी इनका कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है अब देखो नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म भी हुआ जैसे रेपिटेटिवनेस रेपिटेटिवनेस कैसे होगी एक मोनोटनी आ जाती है काम में मोनोटनी मतलब क्या होता है आप क्या कर रहे हो आप सारे फॉर uh, एग्जांपल किसी फैक्ट्री में काम करते हैं मजदूर तो उसमें अपनी कोई उनकी क्रिएटिविटी नहीं रहती है ना उनको क्या करना है मशीन चलानी है फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन है जिसका हैंडल उनको घुमाना है ठीक है काम करने के लिए तो सुबह से शाम तक वो हैंडल घुमाते रहेंगे उनका एक ही काम रह गया है ऐसा कुछ नहीं वो अपना कोई इनोवेशन उसमें दे क्योंकि उनके पास एक रेडीमेड मशीन आती है जिसको बस उनको ऑन उन ऑफ, ऑन ऑफ करते रहना है तो एक रिपिटेटिवनेस आ जाती है काम में एक मोनोटनी आ जाती है बोरिंग काम हो जाता है आपका डिविजन ऑफ लेबर ठीक है वो डिविजन ऑफ लेबर में आप क्या करते हो अगर आप डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें उसके पॉजिटिव तो उसका नेगेटिव भी आ गया एक क्लास सिस्टम भी आ जाता है सोसाइटी में कि कौन कौन सा वाला काम कर रहा है अगर आप थोड़े तो लो मीनियल काम कर रहे हो इंडस्ट्रीज में तो आप एक लोअर तबके में लोअर ऑफ सोसाइटी में आ जाते हो फ्रेगमेंटेशन ऑफ टास्क ये सारी चीजें टास्क को तो कैसे डिवाइड किया जाता है ये सारी चीजें कैरेक्टराइज करती है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट को अब इसमें देख लो, का इससे रिलेटेड है जो मार्क्स ने दिया था इंडस्ट्रीज में क्या होता है एलियनेशन आ जाती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हो जाता है एलियनेशन आ जाती है ठीक है पेन का काला का चेंज करती हूँ हाँ ये आपका एलियनेशन हो गया एलियनेशन क्या होता है आपके अंदर एक एस्ट्रेंज फीलिंग आ जाती है दैट मीन्स आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो अपने काम से और उन्होंने कहा था जो एलियनेशन है, है अपने काम से ये मोस्टली किस में होती है आपकी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन आने के बाद आपकी जो कैपिटलिस्टिक सोसाइज सोसाइटी है कैपिटलिस्टिक जब कैपिटलिज्म आया था उसके बाद वहाँ पे एलियनेशन काफी हाई होती है एलियनेशन नेगेटिव कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव नहीं है इसमें आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो अपने काम से अब वो कैसे हो जाते हो आप देखो आप क्या कर रहे हो फैक्ट्री में जैसे मैंने कहा रेपिटेटिवनेस है एक काम की फाइन आप जो चीज चला रहे हो उस चीज में आपका कोई आ, मतलब आपको कोई इनोवेशन नहीं है आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई क्रिएटिविटी खत्म हो गई ठीक है साथ में और क्या खत्म हो रहा है आपका ए काइंड आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो फैमिली को तो एलिनेशन आपको फैमिली से भी होगी उनसे भी आप डिस्कनेक्ट हो गए जो फेलो वर्कर्स हैं उनके साथ भी कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि आपको अपना टास्क पूरा करना होता है उतने नंबर ऑफ घंटों में आपको मशीन को उतनी बार चलाना है तो फेलो वर्कर्स से आप एलियनेट हो जाते हो डिस्कनेक्ट हो जाते हो आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो फ्रॉम योर ओन सेल्फ क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें आपकी कोई क्रिएटिविटी कोई सेल्फ की चीज़ नहीं है तो इन्होंने कहा था जो एलियनेशन है कल मैंने कहा था इन्होंने चार सोसाइटीज हमें दी थी छह सोसाइटीज दी थी कैपिटलिज्म तक इनकी चार सोसाइटीज आती है तो ये जो एलियनेशन का ग्राफ है ये प्रिमेटिव कम्युनिज्म में जीरो पे था फिर ऐसा ऐसा बढ़ता है और एलियनेशन पीक पे पहुंचता है कैपिटलिज्म में जो आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ठीक है और उसके बाद ये फिर से ड्रॉप हो जाएगा और जब एडवांस्ड कम्युनिज्म वाली स्टेज में आएंगे तो जो आपका एलिनेशन है वो जीरो हो जाएगा फिर से ठीक है तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है आपकी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में तो आपकी सोसाइटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कालमार्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है एंड मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी है तो ये आप याद रख लेना एलिनेशन तो इसे चार चीजें दी थी एलिनेशन फ्रॉम वन ओन सेल्फ फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि कोई इसमें ये नहीं है अपना इसको कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है बस दिन भर इसको मशीन को ऑन ऑफ करना है वही इसका काम है फ्रॉम द प्रोडक्ट पहले जब ये खेती बाड़ी करता था अगर एक काम कर रहा है लैंड पे काम कर रहा है एग्रीकल्चर वर्क पे इन्वॉल्व है तो वहां से क्या कर रहा है फॉर एग्जाम्पल ये चावल वहां पे उगा रहा है ठीक है तो जो चावल है वो फिर कंज्यूम करता है तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है उस प्रोडक्ट के साथ ये उस प्रोडक्ट के साथ इसकी कोई सेंटिमेंटल वैल्यू है अब देखो जिनके फ्रूट्स के बाग होते हैं फिर वहां पे फ्रूट्स जो उगते हैं वो कितना कनेक्ट फील कर पाते हैं उन फ्रूट्स के साथ तो उनका एक इमोशनल वैल्यू भी होता है अब इमेजिन करो एक मजदूर एप्पल फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसके लिए क्या वैल्यू है एप्पल फोन की क्या वो आईफोन एफोर्ड कर सकता है कभी नहीं करेगा तो उसके लिए कोई सेंटिमेंटल इमोशनल वैल्यू नहीं होती है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने आप से फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से फ्रॉम द प्रोडक्ट इट और फ्रॉम हिज फेलो वर्कर्स ये चार टाइप ऑफ एलियशन है जो कार्ल मार्क्स ने कहे थे क्योंकि उनके साथ भी उसका कोई रहा नहीं रहता है खुद से भी डिस्कनेक्ट होता है फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है वहां से भी बुरा हाल है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से भी बुरा हाल है बस रिपेटेटिवली कोई काम कर रहा है मोनोटो आ जाती है काम में प्रोडक्ट के साथ भी बुरा हाल है क्योंकि कोई इमोशनल सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच नहीं है प्रोडक्ट के साथ एंड जो वर्कर्स हैं उनके साथ भी कोई रिलेशन नहीं है पहले क्या होता था जब खेत में काम करते सारे मिल बैठते थे मिल बैठ के फिर बातें करते थे लंच ब्रेक इकट्ठे जो करते थे वो घर से खाना आता था बातचीत होती थी वो फैमिली मेंबर टाइप बनते थे जिनके साथ आप काम करते थे पर मॉडर्न फैक्ट्री सेटअप में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है तो इन्होंने क्या कहा था एलिनेशन आपकी जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीक पे पहुंचता है इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा आती है एक्सप्लोटेशन बढ़ती है साथ में आपका एलिनेशन भी बढ़ता जाता है ठीक है तो ये स्लाइड्स में नहीं लिखा था इसलिए मैंने आपको लिख के बताया मैक्स वेबर ने इस चीज को कहा था आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी ये इन्होंने थोड़ा ब्यूरो से रिलेट किया था कि जो ब्यूरोक्रेसी है आपकी वो आपको आपका क्रिएटिव सेल्फ को खत्म कर देती है आप बस ये मैन बन के रह जाते हो कि आपको बॉस का कहा मानना है ठीक है एंड देन आपको एक रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है रूल्स रेगुलेशन की इतनी बात होती है आप एक केज में फंस जाते हो क्योंकि आपकी अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं रहती है ये मैक्स वेबर ने कहा था और कहा था डिस ऑफ द वर्ल्ड हो जाती है चांटमेंट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब वो पहले क्या होता था गॉड रिलेटेड बातें भी आप करते थे तो वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और आप एक उन सब चीजों सेल्ड हो हो का पार्ट बन के रह जाते हो तो डिसमेंट ऑफ द एचांटमेंट ऑफ द वर्ल्ड को भी एक नेगेटिव लाइट में बताया था किसने कार मैक्सवेबर uh, ने कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था आपको एलिनेशन का दिया था एज रिजल्ट ऑफ ब्यूरोक्रेटाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये किसने कहा था मैक्सवेबर ने आयरन केज हो जाता है ब्यूरोक्रेटाइजेशन की वजह से और डिस हो जाता है आपका

ये हो गया आपका कार्ल मार्क्स का और देखो हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से और एक चीज अगर हम देखेंगे क्या नेगेटिव देखने को मिला सोसाइटीज में अब देखो क्या हुआ एग्रीकल्चर फील्ड से वो विलेजेस में आके कहाँ रहने लगे विलेजेस से गए वो सिटीज में विलेजेस में क्यों थी आपकी एग्रेरियन एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज थी और सिटीज में क्या है आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं तो इंडस्ट्रियल क्योंकि फैक्ट्री सेटअप हुई है तो वो जब आएंगे तो वो रहेंगे कहाँ जहाँ आपकी फैक्ट्री लगी हुई है वहाँ के इर्द गिर्द वाला जो नज़दीक एरिया होगा वहीं रहेंगे ताकि जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग वगैरह है वो कम हो जाए तो फिर वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स हो जाती है इतने सारे लोग आते हैं माइग्रेट करते हैं माइग्रेशन होती है वो इंडस्ट्रीज़ के इर्द गिर्द रहना शुरू करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा स्लम्स डेवलप हो जाएंगे तो स्लम्स में अब स्लम्स के क्या नेगेटिव इंपैक्ट हैं जितने ज्यादा लोग स्लम्स में रहते हैं क्रिमिनल्स मोस्टली जो है वो स्लम्स से निकलते हैं क्राइम वहाँ काफी ज्यादा होता है ठीक है एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस कंडीशन में उनको रहना पड़ता है अनहाइजीनिक कंडीशंस कंडीशन होती हैं वॉशरूम्स वगैरह नहीं होते हैं सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स भी वहाँ पे प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव रिलेटेड है आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो सोसाइटी को देखने को मिलती हैं, ठीक है थीके? ये चीज भी आप याद रख लेना उसके नेगेटिव इम्पैक्ट उसके बाद आपका आता है एक पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये डैनियल बेल ने आपको ये दिया था ठीक है इन्होंने क्या कहा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बाद हम एक नई सोसाइटी की तरफ आ रहे हैं जहां पे सर्विसेज और नॉलेज रिलेटेड टेक्नोलॉजीज डोमिनेट करेंगी जो आपका सेक्टर है जहां पे सर्विस और नॉलेज रिलेटेड बातें ज्यादा होती हैं तो इन्होंने कहा था पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आ रहे हैं जहां पे शिफ्ट है आपकी प्रोडक्शन से टुवर्ड्स योर सर्विसेज फाइन तो ये भी थोड़ा याद रखिए ना आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं था लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन थी तो हो सकता है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का कोई क्वेश्चन आ जाए लास्ट वन इज इजे ग्लोबलाइजेशन देखो ग्लोबलाइजेशन में आपको एक ही एग्जाम्पल से बताऊँगी आपको समझ में आएगा ग्लोबल होता है वर्ल्ड वाइड ठीक है तो जब हम वर्ल्ड वाइड की बातें करते हैं कोई चीज़ ग्लोबल हो रही है फॉर एग्जाम्पल लंडन में अगर कोई है वो भी मेबलिन के प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है ये अमेरिका में है ये अमेरिकन ब्रांड है मेबलिन आप यहाँ पे इंडिया में रह रहे हो इंडिया में भी आप कश्मीर में रह रहे हो और आप भी मेबलिन की फाउंडेशन यूज करते हो तो ये क्या हो रहा है ग्लोबलाइजेशन मतलब वर्ल्ड जो है ये एक बन रहा है जो प्रोडक्ट फॉरेन में यूज होते हैं वही इंडिया में भी यूज होते हैं फाइन जो प्रोडक्ट आप आ, डेली में यूज होते हैं वही इंडिया के किसी एक पुराने विलेज का कोई होगा वो भी वही प्रोडक्ट यूज कर रहा होगा क्योंकि इतनी ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हो गई है चीजें इतनी ज्यादा फैल रही है कि कोई जो बाउंड्रीज थी वो खत्म हो रही है ये आपका ग्लोबलाइजेशन है तो ग्रोइंग इंटर लोगों के बीच में रिजन के बीच में कंट्रीज के बीच में ये आपका ग्लोबलाइजेशन होता है ऑल दो जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं वो इंटीग्रल पार्ट हैं ग्लोबलाइजेशन की बट इट वुड बी रॉन्ग टू सजेस्ट कि दे अलोन प्रोड्यूस इट तो ग्लोबलाइजेशन हाँ आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है लेकिन उसको बाद में फैलाने के लिए सिर्फ आपकी इकोनॉमी रेस्पॉन्सिबल नहीं है इट हैज़ बीन ड्रिवेन फॉरवर्ड बाई ऑल डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे मैंने आपको कहा मेबलिन का प्रोडक्ट ये आपके इकॉनमी से रिलेटेड है एक प्रोडक्ट आया लेकिन वो आप तक कैसे पहुंचा क्योंकि आपने इंस्टाग्राम यूज किया वहां पे आपने कोई इन्फ्लुएंसर को देखा वो रिव्यू कर रही है मेबिलिन फाउंडेशन को एंड उसके बाद आप नायका पे गए आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया ठीक है तो उसको स्प्रेड करने में सिर्फ इकोनॉमी का पार्ट नहीं आया उसमें पार्ट आया आपकी नॉलेज का कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग का ठीक है तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है ग्लोबलाइजेशन जो है मेजर ड्राइवर है ऑफ सोशल चेंज इन एंड डेवलपमेंट इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स ग्लोबलाइजेशन ऑपरेट्स इन द डोमेन्स ऑफ इकोनॉमिकली भी ग्लोबलाइजेशन हो रही है पॉलिटिकल भी हो रही है एंड सोशो कल्चर प्रोसेस में भी हो रही है विद रेफरेंस टू कल्चर ग्लोबलाइजेशन वी सी द स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज जैसे इंपॉर्टेंस देना इंग्लिश लैंग्वेज को अब एसोसिएट किया जाता है इंग्लिश को विद नॉलेज कि जो जितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है दैट मीनस वो इतना नॉलेजेबल है हालांकि सही नहीं है इट्स समित तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है स्प्रेड होता है लैंग्वेज uh, स्प्रेड हो रही है आपका ड्रेसिंग सेंस आप चाहे आपको वो गाना अंग्रेजी समझ में आए या ना आए लेकिन आप सुन रहे हो इसको कल्चर को ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है ठीक है उनका कल्चर जो है वो आपके कल्चर को कल्चर uh, के अंदर जो है वो घुस रहा है ठीक है पॉपुलर कल्चर स्पेशली विद अराइवल ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी से चीज़ें जो है बढ़ गई हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया में देखते हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स कम इंक्रीज हो गए पॉवर्टी रिड्यूस हो गई क्योंकि जॉब्स उतनी क्रिएट होती हैं एश्योरिंग फूड सिक्योरिटी जो है वो बढ़ गई जनरेटिंग मार्केट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज ठीक है आपका मार्केट बढ़ जाता है सब्सटैशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ तो इन सब चीज़ों से आपकी इकॉनमी इंक्रीज हो जाएगी लेकिन साथ में उसका नेगेटिव भी देखने को मिलेगा आपको जैसे कि जो आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगी उनका काम कम हो जाएगा अगेन अगर आप फॉरेन ब्रांड आप अमेरिकन ब्रांड यूज कर रहे हो तो जो आपके इंडियन ब्रांड्स हैं इंडियन ब्रांड्स है उनकी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है उनका कस्टमर बेस जो है वो कम हो रहा है कस्टमर उनके डिक्लाइन हो रहे हैं ठीक है थीके? तो ये सब चीजें उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है अब रिट्जर ने हमें एक टर्म दिया था मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी ठीक है यूजिंग द नेम ऑफ द फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी बेसिकली क्या होता है जैसे आप एक मैकडोनल्स में क्या होता है कोई इंसान खड़ा सामने बर्गर बना रहा है तो बिना उसको मतलब एक काम के लिए वो इतना रेपिटेटिवली इस टास्क को कर रहा है कि उसको बस पता है कि अच्छा वो बर्गर वहाँ है चीज़ वहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे मुझे यहाँ मिलाने में डालनी है बर्गर बन गया ठीक है तो आपकी सोसाइटी जो बेसिकली वो भी यही काम कर रही है आपकी फैक्ट्रीज भी इसी बेसिस पे चल रही हैं एक मोनोटोनी और रिपेटेटिवनेस आ गई है काम में और बस हर कोई काम कर रहा है ये इसका ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बोल रही हूँ कि आपके ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्या है अब देखो इनने यूज़ क्या किया इस चीज़ को बताने के लिए कि कैसे सोसाइटी में काम हो रहा है इसका पॉजिटिव भी है कि एफिशिएंसी वगैरह बढ़ गई पर यहाँ नेगेटिव देखेंगे कि जो है वो काम में बढ़ जाती है जैसे मैकडोनल्ड में हो रहा है वैसे पूरी सोसाइटी में हो रहा है अब देखो कहने का क्या मतलब है इन्होंने मैकडोनल्ड वर्ड यूज किया मैकडोनल्ड क्या है फास्ट फूड चेंज है फॉरेन की है ठीक है एक कंट्री की चेंज ये है चेन फूड चेन फास्ट फूड चेन उस फास्ट फूड चेन को इन्होंने रिप्रेजेंट किया एक सोसाइटी के प्रोसेस के नाम से तो ये भी पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हो गया क्योंकि एक कंट्री की किसी एक चीज को आप एक ग्लोबल प्रोसेस प्रोसेस से रिप्रेजेंट कर कर रहे हो. तो कर रहे हो हो ठीक है तो आप टर्म यूज किसी एक को बोलने के लिए तो मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी जो है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रही है जैसे मैकडोनल्ड में काम हो रहा है दुनिया का जो सोसाइटी का हर प्रोसेस है उसी अकॉर्डिंग चल रहा है ठीक है तो ये आपका थोड़ा ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कल्चर कल्चरल इंपीरियलिज्म दैट मींस वो कल्चर जो है आपके कल्चर को क्या कर रहा है उसके ऊपर उसको डोमिनेट कर रहा है ठीक है तो वो कल्चरल इंपीरियलिज्म वो किस में देखने को मिलता है जब आपके टेस्ट चेंज होते हैं आपके डिजायर्स चेंज होते हैं आपकी एस्पिरेशंस चेंज हो रही हैं तो अब आप क्या करते हो आप पास्ता खाना पसंद करते हो तो पास्ता कहां का और पिज़्ज़ा कहां का फूड है ये इटालियन फूड है तो बेसिकली उनका जो कल्चर है वो आपके कल्चर पे हावी पड़ रहा है उसको डोमिनेट कर रहा है वो आपका कल्चरल एम्पेरलिज़म है और वो कहाँ देखने को मिलता है जब आपके रहन सहन तौर तरीका कपड़े वगैरह वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं आप जैसे आपके ट्रेडिशन में है कि नमस्ते करना सलाम करना लेकिन आप अब क्या करते हो टीचर्स को गुड मॉर्निंग बोलते हो ठीक है गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग ये कौन सा वाला तरीका है किसका कल्चर है फॉरन कल्चर है तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कल्चरल एम्पेरलिज़म जो आपके कल्चर को आके डोमिनेट करना शुरू कर देता है और इससे एक चीज़ रिलेटेड कौन

ठीक है तो आपको जो ग्लोबली हाई स्टेटस वाली चीजें हैं वो अपने अंदर लानी है आप एक सिंपल मीशो से ऑर्डर कर सकते हो हैंड बैग थ्री फिफ्टी रुपीज का लेकिन आप लुई वटोंग का दो लाख का बैग ऑर्डर कर रहे हो तो ये क्या होता है ये आपको स्टेटस के लिए चीज चाहिए शो ऑफ के लिए चाहिए और आपको चाहिए जो ग्लोबली हाई स्टेटस वाली चीज हो इस चीज़ को बोला था टी वेबलिन ने कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन आपके ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है अब यू बेक जो है अलरिच बेक इन्होंने हमें तीन डिफरेंसेस दिए थे ग्लोबलिटी ग्लोबलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन में ये भी हम देख लेते हैं ग्लोबलिटी होता है आपका रिफर्स द तो फैक्ट दैट इंडिविजुअल जो है वो इंक्रीजिंगली दे आर लिविंग इन अ वर्ल्ड सोसाइटी कि लोग जो है ग्लोबल हो रहे हैं तो ग्लोबलिटी आपका किससे रिलेटेड होता है जहाँ पे आपका इंडिविजुअल की बात हो रही होती है ग्लोबलिज्म होता है सिंपली जहाँ पे आप पोलिटिकल बात करते हो कि आपका जो वर्ल्ड सिस्टम है ये आपके आपके नेशनल पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करता है ठीक है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ जब अंबानी की बेटी की, की बेटे की शादी थी अंबानी की तो उन्होंने अमेरिकन जो कंटे कंटेंडर थी एक इलेक्शन के लिए अमेरिकन वो कौन थी हिलरी क्लिंटन वहां की पॉलिटिशियन हमको इन्वाइट करा था तो अंबानी इसका क्या लेना देना हिलरी क्लिंटन से ये इसको ग्लोबलिज्म बोला जाता है कि जब आपके जो इकोनॉमी रिलेटेड या वर्ल्ड सिस्टम वर्ल्ड मार्केट रिलेटेड चीजें हैं वो आपके पॉलिटिक्स पे भी असर डालने लगे वो आपका ग्लोबलिज्म हो गया ठीक है और ग्लोबलाइजेशन हो गया इस सारे प्रोसेस के लिए अम्ब्रेला टर्म जो यूज हम करते हैं वो ग्लोबलाइजेशन है इज अ प्रोसेस थ्रू विच द सोवेरियन नेशनल स्टेट्स आर क्रिस क्रॉस एंड अंडरमाइंड बाई द ट्रांसनेशनल एक्टर्स इन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पावर ऑरियंटेशन आइडेंटिटीज एंड नेटवर्क अब सोवेरियन नेशनल स्टेट्स क्या होते हैं देखो जहां पे भी आप सोवेरियन टर्म देखोगे इसका मतलब होता है आपकी कंट्री जैसे हम इंडिया बोलते हैं इंडिया सॉवरेन है इसका मतलब है जो इंडिया के अपने रूल्स हैं उसमें कोई और कंट्री जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती अगर कल को नरेंद्र मोदी का मूड आए और वो कोई लॉ लेके आए जैसे लेके भी आए हैं ट्रिपल तलाक ठीक है तो वो हमारा इंटरनल मैटर है कंट्री का वो इंटरनल इंटरनल लॉ और एक्ट है अगर कोई और कंट्री आ जाए फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपके अमेरिका आ जाए वो आपको डायरेक्ट नहीं कर सकती कि ट्रिपल तलाक आप नहीं लेके आओगे क्यों क्योंकि इंडिया सोवेरियन नेशन है इसमें कोई जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती दूसरी कंट्री तो इस एग्जाम में आपको थोड़ा बहुत पॉलिटी वगैरह का भी कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है तो ये टर्म्स आपके वहां भी हेल्प करेंगे तभी मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ अदरवाइज सोशोलॉजी से डायरेक्टली रिलेटेड आपका ही नहीं है तो इंडिया सोवेरियन नेशन है समझ के आपके डोमेस्टिक पॉलिसीज में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता दूसरा नेशन और इंडिया जो है वो एक सॉवेरिन वैसे अलग अलग कंट्रीज भी जो सॉवेरी नेशन है तो ऐसे तो इंटरफेयर नहीं कर सकता ना डायरेक्टली तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है सॉवेर नेशनल स्टेट्स जो हो रही हैं ये मर्ज हो रही हैं ट्रांसनेशनल एक्टर्स के साथ दैट मीन्स डायरेक्टली तो इंटरफेयर नहीं कर सकता लेकिन बाकी कंट्रीज के साथ अब आपकी जो कंट्री है वो मर्ज हो रही है यही प्रोसेस है आपका ग्लोबलाइजेशन का वो मर्ज पॉलिटिक्स लेवल पे भी हो रही है पावर लेवल पे भी हो रही है इकोनॉमिकल लेवल पे भी हो रही है ठीक है तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है आगे देखते हैं थ्योरीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये लास्ट स्लाइड है इस टॉपिक की पहला होगा हाइपर ग्लोबलाइट्स ये फोकस करते हैं सिर्फ इकोनॉमी बेस्ड ग्लोबलाइजेशन पे कि कैसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रही है दूसरा हुआ आपका स्केप्टिक स्कूल स्केप्टिकल है लेके कि ग्लोबलाइजेशन है भी या करली कि वो एक मिथ ही चल रहा है और है आपका एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्कूल ये कहते हैं जो ग्लोबलाइजेशन है इसके कॉन्सिक्वेंस आपको सोसाइटी को भी देख सोसाइटी में देखने को मिलते हैं जो इन्फ्लुएंस करता है आपके पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज को ठीक है और ये बोलते हैं जो ग्लोबलाइजेशन है वो रेस्पॉन्बल होता है आपके सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो ये थोड़ा आपका सोसाइटी वाली बेस्ड इसकी आ जाएगी जो ट्रांसफॉर्मेशनल स्कूल वाले कहते हैं कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो है सोसाइटी में आपको चेंजेस देखने को मिलती हैं पॉलिटिकल लेवल पे सोशल लेवल पे इकोनॉमिक लेवल पे ये सारा किसकी वजह से हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये कहा था ट्रांसफॉर्मेशनल स्कूल ने स्केप्टिक स्कूल वाले स्केप्टिकल हैं ग्लोबलाइजेशन को लेके वो बोलते हैं अभी भी कि ये मिथ है एंड हाइपर ग्लोबलाइड क्या बोलते हैं वो ग्लोबलाइजेशन